नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। मोतिहारी जिला के वार्ड नंबर 13 में हमारे HBN न्यूज के ब्यूरो के पास एक खबर आई जिसे दिखाना बहुत जरूरी है। यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत कर पता चला कि यहाँ पे मुखिया ग्रामीणों के विकास के लिए कोई काम नहीं करते और गौशाला बनवाने के लिए डुप्लीकेट बालू व गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मोतिहारी जिला के परसैनी वाजिद पंचायत के वार्ड नंबर 13 के वार्ड सदस्य नंदू प्रसाद का शिकायत HBN न्यूज जिला ब्यूरो के पास आया और निवेदन किया गया कि सच्चाई को जनता के सामने लाया जाए। जब वार्ड सदस्य नंदू प्रसाद हमारे संवाददाता टुन्ना कुमार को लेकर वहां पहुंची तो हमारे संवाददाता जब ग्रामीणों से बात करने पर मालूम चला कि मुखिया लोगों के विकास के लिए काम नहीं करते, गौशाला बनवाने के लिए लोकल बालू उजला बालू से काम करवा रहे हैं, जिसकी वजह से पंचायत काम नहीं करवाने दिए। ग्रामीणों के द्वारा ईंट बालू और गिट्टी दिखाया गया जिसमें सारे सामान डुप्लीकेट पाया गया और उसके बाद वहां के वार्ड सदस्य नंदू प्रसाद से भी बातचीत करने पर मालूम चला कि मुखिया पति अनिल शर्मा वार्ड के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। वार्ड सदस्य का कहना है कि जल नल का काम करवा रहे थे तब मुखिया पति मुझे बोले कि आप मुझे 10% कमीशन नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करने दूंगा और फोन करवा कर धमकी देते हैं। कभी पटना से फोन करवाते हैं तो कभी किसी और जगह से। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। मेरा नाम नंदू प्रसाद कुशवाहा, ग्राम पंचायत राज वार्ड नंबर 13 का मैं वार्ड सदस्य हूँ। हम जो काम करा रहे हैं नल जल का PCC का, उसमें मुखिया जो है 10% घूस मांग रहा है हमसे और घटिया बालू और घटिया गिट्टी गिरवा कर यहाँ हनुमान जी का प्रांगण को जो है से जाम कर दिया है पूरा। बहुत जनता जब यहाँ पर पूरा आक्रोश में आया तो बालू कल हटवाया और बालू हटाने के बाद अभी हमारे ऊपर वो उल्टा सीधा कर रहा है और 10% हमसे अलग से घूस मांग रहा है, इसलिए हम उसको घूस नहीं देंगे और काम भी सही कराएंगे। यहाँ के मुखिया को है, यहाँ का मुखिया पुष्पा देवी है, उसका पति है अनिल शर्मा। अच्छा, पुष्पा देवी है जी। अच्छा, तो काम मतलब अच्छा से नहीं करने नहीं अच्छा से काम यहाँ नहीं करते पूर्वक नहीं करते नहीं नहीं कर नहीं करने देते हैं। अच्छा। और कमीशन नहीं देने पे क्या बोलते हैं? बोलता है कि आपका काम नहीं होगा, पैसा नहीं भेजेंगे, जहाँ तुमको जाना है जाओ। नल जल का काम अभी पूरा क्यों नहीं हुआ है? पैसा नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, तुम हमको PC देगा तब पैसा देंगे। अच्छा, PC देंगे तब पैसा देंगे जी सर। लेटरिंग का जो पैसा आया है उसका वितरण कैसे हुआ है? लेटरिंग का तो पैसा हमारे सबसे नीचे बिछड़ा हुआ हमारा वार्ड था जिसमें सब लोग का MIS पर नाम नहीं चढ़ा पहले। okay. तो बहुत कम मात्रा में आया, जो आया वो सब लोग को परमानेंट हो चुका, सभी को खाता में 12,000 रुपया चला गया। उसमें भी 1 रुपया किसी ने से कोई हम नहीं लिए, सबको निस्वार्थ काम कराया कि फिर अगला भविष्य में हमको लोग अच्छा कहेंगे या खराब कहेंगे। आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को दिया जा चुका है? मोटा मोटी 10 आदमी को। तो 400 वोटर हैं आपने, 10 आदमी का ये नहीं है MIS पर नाम। अभी मैं 45 आवेदन दिए थे, 5 को आया है मात्र। 45 आवेदन में हमारे यहाँ 5 को आया है नायका में जी। ताक रहे उधर मुखिया आपको और कैसे कैसे परेशान करते हैं? मुखिया यही परेशानी करता काम है। के अलावा भी आपको व्यक्तिगत लोग से धमकी दिलवाते हैं, कहीं किसी पटना के साहब से मोबाइल पर धमकी दिलवाते हैं तो कहीं किसी के मोबाइल से धमकी दिलवाता है, हैं जी। आप क्यों नहीं काम कराते हैं, क्यों काम रोक रहे हैं? देवी, कई नंबर वार्ड में आपका घर है? 13 नंबर में। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप लोग के घर में पानी मिलता है ना? नल जल से ना। काहे नहीं मिलता है? जब काम हो रहा बा तब जाए पाइप। कितना दिन से काम हो रहा है? भादो है से। भादो सामने से ही, यानी कितना दिन हो गया, कई महीना हो गया अभी तक? 6 महीना हो गया। अच्छा अच्छा, और जो है कि रोड आप लोग को गाँव का नहीं बना है, काहे? मुखिया बनवाई लो की काहे नहीं हुआ है अभी तक रोड का काम? गिट्टी उट्टी सब गिरा हुआ है, लोग बोल रहे हैं इतना दिनों से गिरा हुआ है ये सब सामान, लेकिन अभी तक काम काहे नहीं हुआ है? बालू दब रहा है जी, बालू दब रहा है बालू। आपका काम पड़ता है तो वार्ड साहब करते हैं या मुखिया जी करते हैं? वार्ड साहब। मुखिया आपका नहीं सुनते जी? ना।
आपके पास कभी कुछ पूछने नहीं आते हैं साहब, कैसे रह रही हैं? ना पूछो ना, आपकी लड़की? अच्छा, हम गरीब आदमी बनी, हम भी कुछ नहीं किए। और लड़की के शादी के लिए वो पैसा जो 25,000 आता है वो नहीं दिए जी? ना, एक रुपया में पूछो ना जी। अब मास्क मिला हुआ है जी? मास्क फैशन मिला हुआ है नाक में लगाए वाला? साबुन? साबुन और मास्क। व्हाट्सएप दे। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।